हमारा शरीर है, मैं कहता हूं हमारा शरीर है, हम कुछ नहीं जानता है ये शरीर का विषय। हम खाते हैं किस तरह से अन्न पेट में जाता है, किस तरह से वो खून बनता है, किस तरह से मल बनता है, मूत्र बनता है, फिर किस तरह से हार्ट में जाता है, कुछ नहीं जानते हैं, बस खा ही लेते हैं। डॉक्टर लोग कुछ कुछ जानते हैं, वो भी अभी जो नहीं है, संपूर्ण नहीं है। परंतु जो भगवान है, जो कि दुनिया को सृजन किया है, वो अन्नयात व्यतिरेकश्च अभिज्ञा, वो अन्नय भाव से व्यतिरेक सब कुछ जानते हैं, उसका नाम है भगवान। ये सब विचार है। तो जो मूर्ख लग है वो कहते हैं असत्यम, इतना भारी दुनिया जिनने बनाया है, हम लोग एक मकान बनाते हैं, थोड़ा ऐसा एक मकान समझ लिए खूब अच्छी तरह से बनाया, कोई फ्रेंड आके कहते हैं हाँ जी तुम बड़ा अच्छा मकान बना, तो हम बड़ी खुशी हो जाते हैं। और कोई आके कहे दे अरे तुम मकान बनाया है ये सब असत, तो हम डिस्करेज हो जाए, लेकिन तो इसका व्यक्ति हम इतना पैसा खर्च किया, इतना मेहनत किया और ये बोलता है असत, तो क्यों असत? जो भगवान को मानता नहीं, जो भगवान को समझता नहीं, वो बोलेगा ये दुनिया असत, असत नहीं है, इसमें कितना कारीगरी है। जो समझदार है वो देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्योदय होता है, किस तरह से चंद्रोदय होता है, और किस तरह से समुद्र है, भूमि रप अनलो वायु अंग बुद्धि मनोर, ये सब कारु कार्य सब भगवान बनाए, ये सब असत्य है। और भगवान अगर ब्रह्म सत्य है तो ब्रह्म से असत्य कैसे निकले? असत्य ही है जो हम जो कहते हैं कि भगवान नहीं है, ये आप से आप बन गया है, वो चीज असत्य नहीं, तो भगवान है, भगवान की कारीगरी इसमें है, ये जो समझता है वो जरूर करेंगे। ये नहीं कहना चाहिए ये असुर लोग कहते हैं असत्यम, ये फॉल्स है, हम लोग फॉल्स नहीं कहते हैं। दो विचार है, एक मायावादी विचार और एक वैष्णव विचार। मायावादी लोग कहते हैं जो दुनिया ब्रह्म जगत असत्य, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, नहीं मिथ्या नहीं, तो भगवान भी कहते हैं असत्यम। कौन कहते हैं? वो असुर लोग कहते हैं असत्यम ही भगवान खुद कहते हैं, भूमि रपा नल वायु हंग मना बुद्धि वच प्रकृति में भिन्ना असदा, हमारी प्रकृति है, हमारी एनर्जी है, मैं इसको सृजन किया है, तो असत्य कैसा होगा? उसको कुछ मतलब है भगवान ये जो भौतिक जगत बनाने वाले, इसकी इसमें भूमि चाहिए और पानी भी चाहिए और जमीन भी चाहिए, आग भी चाहिए, हवा वायु भी चाहिए, सत्य चाहिए, ये सब भगवान कहते हैं। प्रकृति में भिन्ना प्रकृति अष्टधा, यह आठ प्रकार की जो प्रकृति है ये हमारी एनर्जी से ये बनी हुई है, और फिर भी बताते हैं अपरायम, ये जो आठ प्रकार की प्रकृति है ये अपरा है, निकृष्ट, इससे आओ एक आगे बढ़ी हुई प्रकृति है। अपरायम इतस्तु विद्धि में प्रकृति में परा, और एक परा प्रकृति है, वो क्या चीज है? जीव भूत महाभाव, वो जीवात्मा, जैसे हम लोग हैं, जड़ से हमसे फर्क है, क्योंकि एक जड़ वस्तु जो है उसका ऊपर हमारा कंट्रोल है। हम कहीं से ईंटा ले आते हैं, पत्थर ले आते हैं, लकड़ी ले आते हैं और उसका सा सुंदर एक मकान बना लेते हैं, तो मैं भी एक प्रकृति है और ये जड़ भी एक प्रकृति है, परंतु मैं जो जीवात्मा है ये परा प्रकृति, ये भगवान सचिता से समझे अपरायम, ये अपरा निकृष्ट है, और ये जो प्रकृति है तो हम लोग प्रकृति है, पुरुष नहीं है, पुरुष से भगवान है एकमात्र पुरुष, पुरुष एकमात्र, जैसा अर्जुन भगवत गीता के सुन करके स्वीकार किया, पुरुषम शाश्वतम पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भगवान पुरुषम शाश्वतम, आप जो है आप पुरुष हैं और सब प्रकृति, प्रकृति का अर्थ होता है भोग्या और पुरुष का अर्थ होता है भोग, भोक्ता, भगवान खुद कहते हैं भोक्तारम जगत तपसाम सर्वलोक महेशम सुदम सर्वभूताना ज्ञाता माम शांति मिच्छत, हम लोग सब शांति चाहते हैं, ताकि शांति मिलने का जो रास्ता है वो हम लोग नहीं जानते,
वो भगवान खुद बताते हैं। जो आप शांति चाहते हैं तो यही शांति का पथ है। क्या जो भोक्ता जो है पुरुष वो भगवान भोक्ता नम जगत अवसान सर्वलोक महेश्वर और मैं सब लोग का मालिक। ये जो हम लोग मालिक बनते हैं ये फॉल्स ये सत्य नहीं है। जो भगवान बोलता है जो मैं मालिक है हम लोग आते हैं समझ लीजिए हम लोग इंडियन है हम समझते इंडिया हमारा है। कितना दिन तक इंडिया हमारा रहेगा जब तक ये शरीर बस शरीर खत्म हो गया क्या इंडिया खत्म होगा तो इंडिया तो रह गया। हमें पेरिस में एक पार्क में देखते थे नेपोलियन एंड फ्रांस इक्वलाइजिंग हम देख हमने तो पूछा जो फ्रांस मौजूद था नेपोलियन किधर चला गया तो कोई जवाब नहीं दिया। ये सब चल रहा है इसलिए जो भगवान जो बोलते हैं जे भोक्ताराम जगताम सर्वलोक मालिक भगवान की मालिकाना तो रह जाता है और हम आते हैं दो चार दस रोज बीस रोज नहीं दस वर्ष बीस वर्ष पचास वर्ष सौ वर्ष नहीं मिलियंस ऑफ इयर्स ब्रह्मा जी रहते हैं मिलियंस ऑफ इयर्स। तो इसका माने वो मालिक नहीं है मालिक तो भगवान है। हम लोग आते हैं धर्मशाला में आया दो चार रोज ठहरा फिर चला गया कि धर्मशाला हमारा हो गया ये सब भ्रम है। ये सब भ्रम में दुनिया में चल रहा है सब भगवान के ईशावास समिदम सदम सब कुछ भगवान का ये सेंस जगाना चाहिए। इसका नाम है कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट। इसके लिए हम लोग थोड़ा प्रयास कर रहे हैं आपसे निवेदन है ये भारतीय कल्चर है आप लोग सब ज्वाइन कीजिए। ये कोई सेंटिमेंटल नहीं है केवल बोलने वाला बात नहीं है शास्त्र प्रमाण है। हम लोग 84 किताब लिख के आपका सामने हाजिर किया है। शास्त्रों से पढ़िए विज्ञान से पढ़िए और ये मूवमेंट को अच्छी तरह से सीरियसली लीजिए। और चैतन्य महाप्रभु जैसे बता रहे हैं कि भारत भूमि ते मनुष्य जन्म है लो जा हम लोग जाते हैं परदेश में भीख मांगने के लिए क्यों भीख मांगे आप कुछ दीजिए आपके पास चीज है क्यों आप भीख मांगने जाते हैं अपन धन बिलाए दिए भिक्षा मांगे पड़े अपना धन तो लुटा दिया और दूसरे के पास भीख मांगते ये उचित नहीं है। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट बताते हैं जो आपका पास चीज है वो चीज आप लीजिए आपका जीवन सार्थक कीजिए और दुनिया में दीजिए परोपकार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। हरे हरे राम हरे 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 कृष्णा।